सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। रिज्यूम तो तुम्हारा बहुत स्ट्रॉन्ग है और वर्क एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा। थैंक यू सर। कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करती हो? अरे ये लो, ये पानी लो। बचाओ, कोई भी हेल्प करो। अरे बचाओ। अरे ये क्या कर रही हो तुम? मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा था। चुपचाप मुझे 10,000 रुपए दे दे, वरना चिल्ला चिल्ला के ना लोगों को इकट्ठा कर लूंगी और यहाँ पे हर कोई सिर्फ मेरी ही बात सुनेगा। देखो शोर मत मचाना, वरना तुम्हारी की सबको पता चल जाएगी। वो कैमरा देख रही है? अब तुम्हारा बाकी का इंटरव्यू पुलिस ऑफिस के साथ होगा, ठीक है? हेलो, रो आई। मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। और हाँ, दरवाजा बंद करके जा। और किसी चीज की जरूरत हो तो नोट डाल दीजिए। शुक्रिया। इतनी जल्दी भी क्या है? टाइम खराब मत कर, चल। आज कुछ नया ट्राई करते हैं। नया? वो क्या? कुछ तो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है और मैं जोर जोर से चिल्ला रही हूँ, तो मुझे मार रहे हो और मैं बचने की कोशिश कर रही हूँ। बचाओ बचाओ बचाओ। कमाल चीज है यार, तो शुरू करते हैं। पहले अपनी शर्तों का। भगवान के लिए मुझे ठोक दो। बस बस का? बस हो गया। अभी तो कुछ किया ही नहीं। चल निकाल 1,00,000 रुपए। 1,00,000 किस बात के? बात तो 10,000 की हुई थी। वो देख कैमरा, अगर ये वीडियो तेरी फैमिली के पास जाएगा तो कैसा लगेगा? मैं दे रहा हूँ। एकला चल जल्दी कर, मुझे देर हो रही है। चल फटाफट ज्वेलरी उतार। चल चल जल्दी कर, सारी ज्वेलरी दे। देती हूँ देती हूँ, जल्दी जल्दी। एक मिनट, एक मिनट। नहीं कान के दे, दे, देती 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 जल्दी। हाँ हाँ, अंगूठी का। एक मिनट उतार, जल्दी उतार। नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। तुम दोनों की कांड की वजह से अब हम इस शहर में और काम नहीं कर सकते। तू उस औरत को अपना चेहरा दिखाई और तू सीसीटीवी को। तुम दोनों की इन बेवकूफियों की वजह से हमें ये शहर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन कहाँ जाएंगे? मुंबई। तुम दोनों घर की साफ सफाई करो, तब तक मैं नया पकड़ा ढूंढती हूँ और मैं किचन देख के आती हूँ। तुझे मुंबई में इस खोली के अलावा और कोई जगह नहीं मिली? कितनी स्मेल आ रही है। कुछ ही दिनों की तो बात है,
कि हम सी फेसिंग फ्लैट लेंगे। क्या हुआ? अरे यार कितने चूहे हैं यहाँ पे। इससे अच्छा तो हम लखनऊ में रहते थे, साल के 20 से 25 लाख रुपए कमाते थे। ओ हेलो, वो सब भी ना तुम दोनों की मेहरबानी से छूटा है। अब ये सब छोड़ो और अपना कमरा सेट करो, कल से ही काम शुरू करना है। इस शहर के अमीरजादों की लिस्ट बना, ये देखो घर के काम काज करने के लिए बाइक का एडवर्टाइजमेंट, वन फुल टाइम मेड फॉर ए बंगलो 10,000 स्क्वायर फीट। 10,000 स्क्वायर फीट बंगलो में रहने वाला, सोचो यार कितना बड़ा मालदार होगा। चलो ये शहर का पहला क्लाइंट मिला, अब इसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। नमस्कार, मैं हूँ अश्विनी कालसेकर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तीन औरतों के जुर्म की ऐसी कहानी जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। कोमल, महक और रूपाली, ये तीनों औरतें मिलकर जुर्म को इस कदर अंजाम देती थी कि जुर्म का शिकार इंसान कानून की मदद भी नहीं ले सकता था। इनके जाल में जो भी फंस जाता था ये तीनों मिलकर उसका जीना हराम कर देती थी। इन तीनों औरतों के जुर्म करने का तरीका वो होता था जो आमतौर पर लड़के इस्तेमाल करते हैं, मसलन बाइक पर बैठकर चेन छीनकर भाग जाना, होटल में डकैती करना वगैरह वगैरह। अपराध इनके लिए रातों रात पैसा कमाने का जरिया बन गया था, वो भी बिना मेहनत किए। एक ही शहर में इन तीनों औरतों ने मिलकर कई वारदातों को अंजाम दिया था, इसीलिए उसी शहर में उनके लिए खतरा भी बहुत बढ़ गया था। जाहिर सी बात है उस शहर से भागकर अब वो नए शहर में आई थी। अब देखना यह है कि इस नए शहर में ये तीनों औरतें मिलकर कौन सा नया अपराध करती हैं और कौन होता है इनका अगला शिकार। ये क्या है कोमल? ये है तुम दोनों का फर्जी आधार कार्ड और ये है हमारे नए क्लाइंट की फैमिली फोटो। लेकिन ये बुड्ढा कौन है? ये है रविराज गुप्ता, गुप्ता शुगर मिल का मालिक। अपनी जवानी में काफी शौकीन मिजाज का रहा है और ये है उनकी धर्म पत्नी मोहिनी देवी। जैसा नाम वैसा ही काम, बहुत ही संस्कारी और दयालु औरत है और वो है हमारा मेन टारगेट विपिन गुप्ता, इन दोनों का एक लौटा बेटा। बिल्कुल अपनी माँ पे गया है, संस्कारी और दयालु, इसे लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। ये तो इतना आदर्शवादी है कि आज तक एक गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाई। क्या बात है कोमल, तूने तो एक दिन में पूरी जन्म कुंडली निकाल ली। जब बड़ा हाथ मानना हो ना तो तैयारी भी बड़ी होनी चाहिए। बाकी की डिटेल इसमें है, ठीक से पढ़ ले। ये तूने बिल्कुल सही कहा कोमल। रूपाली और ध्यान रहे, इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। कल सुबह मैं आपको सिद्धि विनायक दर्शन के लिए लेके चलूंगा। ये विचार, कल संडे है, अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमू। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है विपिन। अरे बेटा जवान हो, कुछ टाइम अपने यार दोस्तों के साथ एंजॉय करो। अरे बेटा तुमसे ज्यादा तो अपनी जवानी में मैंने एंजॉय किया है। अपने बेटे के सामने कुछ भी बोल दे। माँ 6 दिन तो मैं ऑफिस में बिजी रहता हूँ, सिर्फ 1 दिन तो मिलता है कि मैं आपके साथ बैठ के पूरा दिन बिता सकूं। मैं कहीं नहीं जा रहा, कल सुबह हम मंदिर जाएंगे और फिर घर आके लंच करेंगे। अच्छा ठीक है। डैड आज मैं थोड़ा जल्दी निकल रहा, मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है। ओके डैड। क्या हुआ रोहन? साफ कोई लड़की है। लड़की? Yes, आप कौन? जी मेरी स्कूटी खराब हो गई है, क्या आप मुझे मेरी ऑफिस तक लिफ्ट दे सकते हैं प्लीज? I'm so sorry, मैं अनजान लोगों को लिफ्ट नहीं देता। रोहन चलो। शिट, बेचारी, उस पे ना तेरे हुस्न का जादू चला ना ही तेरी मजबूरी का। चढ़ेगा हुस्न का जादू भी और मजबूरी का जादू भी, पर कुछ भी कह लो बंदा बहुत हैंडसम है। वैसे जा जा तो अपना काम कर रूपाली, आई मीन काम वाली। हाँ
वैष्णव खाना बना लेती हो? जी मेम साहब, हम तो खुद ब्राह्मण परिवार से हैं। अच्छा, मुंबई में कब से हो? मेम साहब, अभी बस एक ही हफ्ता हुआ आया है। तो रो क्यों रही हो? दरअसल मेम साहब, पिछले महीने हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, तो मैं दूर की मासी हमें यहाँ ले आई। हमें काम की बहुत जरूरत है मेम साहब। अच्छा ठीक है, तुम आज से ही काम पे लग जाओ। मोहन जी, मेम साहब, इसे इसका काम समझा दो। जी धन्यवाद मेम साहब। रुक क्यों गई? चलो किचन दिखाता हूं। चलो ये काम तो अच्छा हुआ, रूपाली की एंट्री भी हो गई। ओए हाँ, तू ध्यान से काम करना, ओके? हाँ यार ठीक है, पहले एक और ग्लास दे। ओए काम वाली भाई, ज्यादा मत पी, कल सुबह तुझे काम पर भी जाना है। हाँ यार, काम कर करके ना मेरी कमर की बैंड बज गई है, और मैं कब से बोल रही तुझे बाम लगा दे ना प्लीज यार। महक, अब तुझे अपना सेकंड प्लान एग्जीक्यूट करना है, इसे हम दोनों तरफ से फंसाने की कोशिश करें। और रूपाली, हाँ, तू भी उसे अपने प्यार के जाल में फंसा? यार फंसा लूंगी, पहले ना तुम दोनों मेरी कमर का कुछ करो यार, सच में बहुत दर्द हो रहा है कमर में। चल लगा देती हूँ। अरे देख के फर्श गीला है, कहाँ जा रहा है? छोटे साहब के लिए कपड़े लेकर जा रहा था। ला मुझे दे, मैं रख देती हूँ। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? साहब आपके लिए कपड़े लाए। दोबारा मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं है, इस काम के लिए घर में बाकी नौकर हैं। अब जाओ यहां से, खड़ी क्यों हो, जाओ। आज देखता हूं ये लड़की कितने पानी में है। अरे सुनना, मेरा पेन गिर गया है, जरा उठा दोगे प्लीज? जी साहब। उस बुड्ढे को फंसा के क्या करेगी? अरे उस
गुड्डे को फंसा के हम ब्लैकमेल कर सकते हैं। अच्छा, तुझे इतना आसान लगता है उसे फंसाना? जो इंसान अपने घर के अंदर तुझे छेड़ सकता है वो बहुत ही शातिर होगा। लड़कियां फंसाना तो उसके लिए मामूली बात है, हम इसे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। अरे तो अब क्या करें, उस बुड्ढे को फंसा के फायदा नहीं है और उसका आदर्शवादी बेटा फंसेगा नहीं। यार एक काम करते हैं ना, ये छोड़ते हैं, खुद दूसरे टारगेट ढूंढते हैं। वैसे भी ना मैं ये काम कर करके बहुत थक चुकी हूँ। मैं अपनी मेहनत को ऐसे ही खराब नहीं होने दूंगी। महक, तू एक बार फिर से ट्राई कर, वो जरूर फंसेगा। ठीक है, इस बार वो मेरी बिछाई हुई जाल से बच नहीं पाएगा। इसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस, खुद सीख महक से, और अगर फिर भी वो नहीं फंस पाया तो जो काम तुम दोनों नहीं कर सकी वो मैं करके दिखाऊंगी। वो संस्कारी है और उसका यही संस्कार उसे मेरे जाल में फंसाएगा, और मैं उसे जो जो कहूंगी वो अपने माँ बाप की इज्जत के खातिर वो सब कुछ करेगा। इन तीनों औरतों का लालच इस कदर बढ़ गया था कि वो रातों रात एक ही झटके में अपने सारे सपने पूरे कर देना चाहती थी। इतने समय कानून से ये तीनों बची रहीं, इसीलिए इनको गलतफहमी हो गई थी कि शायद जिंदगी भर ये कानून से बचती रहेंगी। गाड़ी रोको, लड़की को छोड़ो। आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? मेरी घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। शायद आपको पहले कहीं देखा है। जी मेरी स्कूटी खराब हो गई है। याद आया, आप उस दिन मुझसे लिफ्ट मांग रही थी। लेकिन आपने तो उस दिन लिफ्ट देने से मना कर दिया था ना। उस दिन की बात छोड़िए, आपको काफी चोट आई है। आइए मैं आपकी बैंडेज करता हूं। बहुत पेन कर रहा है। लाइए अपनी चोट दिखाइए, मैं दवा लगा देता हूं। जी वैसे आपका नाम क्या है? महक। और कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? रायपुर। अरे वाह, हम भी रायपुर के हैं। अच्छा, पता है मुझे, तभी तो रायपुर बोला मैंने, तेरी सारी कुंडली है मेरे पास। अरे कहाँ खो गई आप? सोच रही थी कल बॉस को क्या जवाब दूंगी, मेरे बैग में ऑफिस के पैसे थे और वो तो गुंडे लेके भाग गए। अरे आप चिंता मत कीजिए, वैसे भी आप हमारे ही शहर की हो। आप मुझे बताइए कितने पैसे थे? 50,000। ओके, तुम्हारे लिए जिंदा शुगर मिल्स वाले रुपेश जी के यहाँ से रिश्ता आया। तुम्हारे आदर्शों को देखते हुए उन्होंने हमारे यहाँ रिश्ता भेजा है, वरना उनका और हमारा कोई मुकाबला नहीं। अरे वो बड़े होंगे अपने घर के, मैं एक बात कह देती हूँ, अगर मेरे बिपिन को वो लड़की पसंद नहीं आई तो ये रिश्ता नहीं होगा। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है, हाय मुझे तो पसंद है। तुम देखो बेटी कैसी है। माँ, अगर आप भी यहाँ है तो मेरी भी यहाँ है। कहाँ थी अब तक और तेरा फोन क्यों बंद आ रहा है? और ये सब क्या है, हमें पैसों की जरूरत है और तू पैसे उड़ा रही है। बस बस देवी, शांत हो जा, कितना टेंशन लेती है। ये लो 40,000। ये कहां से है? बिपिन ने दिया, वो भी लीगली। ना मैंने उसे ब्लैकमेल किया और ना मैंने कोई जबरदस्ती की, बल्कि अपनी बातों से और एक्टिंग से उसका विश्वास जीता। अरे वाह, तू तो बड़ी छिपी रुस्तम निकली यार। अब तू देखना धीरे धीरे उस बिपिन गुप्ता को कैसे मैं अपने जाल में फंसाती हूँ।
और ये बात रूपाली को पता चलेगी ना तो वो बहुत खुश होगी। कोई फायदा नहीं है। क्यों? आज ही ना उसका रिश्ता पक्का हो गया है। What? Shit! इसका मतलब मेरी सारी मेहनत पानी में। अब वापस हमें दूसरा बकरा ढूंढना पड़ेगा। मैंने तो पहले ही कहा था कोई और टारगेट ढूंढ लो। दूसरे को फंसाने की कोई जरूरत नहीं, हम विपिन को ही फंसाएंगे। कैसे? वो सर मुझ पर छोड़ दो। अब डट कर होगा डर से सामना। हम आपकी धमकियों से डरने नहीं वाले, पूरी दुनिया को बताएंगे आपके इसलिए। हर जुर्म के खिलाफ उठेगी आवाज। शुरू हो गई है अपराध से पहले देश को अलर्ट करने की एक नई मुहिम। अब सप्ताह के सातों दिन देखिए जुर्म से अलर्ट करती सात नई कहानियां। गलत मंसूबों का अंजाम बर्बादी ही होता। क्राइम अलर्ट सोमवार से रविवार रात 10 बजे दंगल पर। विपिन जी, हम भूखे और अनाथ बच्चों के लिए एनजीओ चलाते हैं। हम आपके आभारी हैं कि आप इतने शॉर्ट नोटिस में हमसे मिलने चले आए। जी इसमें आभार कैसा? अरे देखिए ना, मैं बातों बातों में आपसे पूछना ही भूल गई, क्या लेंगे आप, चाय कॉफी या फिर जूस? जी शुक्रिया, उसकी जरूरत नहीं। प्लीज सर। ठीक है, मैं जूस ले लूंगा। जी सर, मैं अभी लाती हूँ। थैंक्स। सर, हम लोगों ने और भी दो तीन प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं और ये है उसके डोनेशन फॉर्म। उसमें सर? यस। आपको मैं अभी आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि फॉर्म कैसे फिल करते हैं। या श्योर। मैंने उसे नशे की गोली मिक्स करके पिला दी है, तू बस अपना कैमरा रेडी रखना। ओके। देख ये लास्ट मौका है, अगर इसमें फेल हो गए ना तो हमारी पूरी मेहनत खत्म। ओके बॉस, मैं ध्यान रखूंगी। चल जा अभी अंदर जा। यस डैड। हाँ डैड। वो अरे आपने तो अपना जूस भी फिनिश नहीं किया। जी। लाइए, कौन से फॉर्म पे साइन करना है? जी मैं अभी बताती हूँ। ये है फॉर्म, यहाँ पे सिग्नेचर करना है। ओके। कहीं गलती से मैंने नशी वाला जूस तो नहीं पी लिया। ये मुझे क्या हो रहा है?
ये क्या किया तूने कोमल? इस प्लान के लिए तूने सारी हदें पार कर दी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। मुझे लगता है कि मैंने गलती से वो नशे वाला जूस पी लिया। और मैं तुझे किसे कहा था कि पूरा वीडियो बना मेरी इज्जत लूटने से पहले तू मुझे रोक नहीं सकती थी क्या? यार मुझे लगा ये तेरा प्लान होगा, और तूने तो कहा था हमारे पास तो ये लास्ट चांस है। क्या मेरा आज तक मैंने सबको लूटा मगर अपनी इज्जत को लौटने नहीं दी, और आज मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। बहन ये सब तेरी वजह से हुआ। नहीं तू रूम से बाहर आते और नहीं क्लास एक्शन होता। शांत हो जा कोमल, शांत हो जा। अब जो होना था वो हो गया, अब हम आगे क्या करें वो सोचना है। अब उसे मेरी इज्जत की कीमत भी देनी पड़ेगी। पहले 50 लाख मांगते, अब 1 करोड़ मांगूंगी। हेलो जी जी पंडित जी बोलिए। जी जी सब कुशल मंगल। अरे वाह ये तो बहुत खुशी की बात है जी। अरे मोहिनी अगले शुक्रवार लड़की वाले आ रहे हमारे घर जी, तिनका रिश्ता पक्का करने। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। मैं काम करती हूँ, मौसा और मौसी को बुला लेती हूँ। अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। विपिन बेटा अगले शुक्रवार तुम ऑफिस नहीं जाओगे ठीक है? जी जी पिताजी। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? कुछ नहीं माँ, वो बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ठीक है बेटा आराम करो, अगर कोई दवा की जरूरत हो तो बोल देना। जान के क्या करोगे? मैं कौन हूँ? सिर्फ ये जाने में इंटरेस्ट रखो कि मैं चाहती क्या हूँ। क्या क्या चाहती हो तुम? वीडियो देखा, बड़े अच्छे लग रहे हो, दुनिया के लिए आदर्शवादी बेटा, परफॉर्मेंस वाह वाह। बकवास बंद करो और ये बताओ क्या चाहिए तुम्हें? पूरे 1 करोड़। क्या 1 करोड़? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? वीडियो देखने के बाद तो खराब ही हो गया था। वैसे भी अपनी माँ बाप के सामने अपनी इज्जत की इतनी तो कीमत दे ही सकते हो। लेकिन 1 करोड़ बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हें चॉइस नहीं दे रही हूँ, ऑर्डर दे रही हूँ। कल तक 1 करोड़ रुपए, नहीं तो ये वीडियो तुम्हारे माँ बाप तक पहुँच जाएगी। जगह और टाइम तुम्हें बता दिया जाएगा। हेलो हेलो मैंने सब कुछ सुन लिया है।
क्या सुन लिया? बताऊं? वीडियो 1 करोड़ माँ बाप। बस अपनी कीमत बोल, कितना चाहिए तुझे? मुझे पैसे से प्यार नहीं है। फिर क्या चाहिए तुझे? मुझे तू चाहिए, और वो भी तब जब मैं चाहूंगा। अरे पागल हो गया क्या? तो ठीक है, इस सारी बातें मैं छोटे साहब को जाकर बता देता हूँ। जाऊं? और ध्यान रहे, इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अच्छा चल ठीक है, मान ली तेरी बात। ये हुई ना बात, चल मेरे कमरे में। अभी नहीं, छुट्टी के बाद मेरे घर चलना। कोई ना, बाकी की कसर आज रात को पूरी करता हूं। इस सप्ताह शाम 6 से 7 होगा रिश्तों का महाचक्रव्यूह। शाम 6 बजे हम लाल सिंह को खत्म किए बिना नहीं रुकेंगे। अगर रूह को पकड़ने के लिए हमको लाशों के ढेर पर से भी गुजरना पड़ा तो हम गुजरेंगे। चुकाने अपनों के खून का हिसाब अवधेश लेगा नया अवतार। और शाम 6:30 बजे जानकर सुमन के दिल की बात, क्या टूट जाएगा एक माँ का विश्वास? आज तक मुझे धोखा देते आई हो तुम। शाम 6 से 7 बजे तक देखिए रिश्तों का महाचक्रव्यूह दंगल पर। आओ अंदर। मर गया है। तुझे बोला था इसे भी धमकाना है, मारना नहीं है। अब क्या करेंगे हम? कितना टाइम लगता है दरवाजा खोलने में? कुछ 1 मिनट भी लेट हो जाती ना तो मेरा तो बैल ही बच जाता। अब ये कौन सा ड्रामा है? कौन है ये? ये मर गया है। महक, अब ये कौन सी नई मुसीबत है? महक, तुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं हो गया क्या? ये टिफिन का नौकर मोहन है। तुम दोनों इससे मेरी पूरी मेहनत का सत्यानाश करोगी। लेकिन अब इसका क्या करें? लाश को छुपा दो और जल्दी से रेडी हो जा, हमें अभी निकलना होगा। पैसे लेके आता ही होगा। हाथ में पैसे आते ही हम यहाँ से रफो चक्कर हो जाएंगे। जल्दी करो। हेलो, कोई है यहाँ पर? लड़की ने फिर से गड़बड़ कर दी।
तुम? इसका मतलब वो तुम थी जिसने मुझे फोन किया था। कितनी घटिया औरत हो तुम, मेरे साथ साथ उस बेचारी एंजो वाली को भी परेशान कर रही होगी ना। कितना आदर्शवादी है। कसम से यार, बहुत बुरा लग रहा है तुझे लूटते हुए। मेरा चेहरा नहीं देखोगे? मतलब ये सब तुम्हारा प्लान था? पैसों के लिए तुमने खुद के साथ इतना घिनौना काम करवाया, अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतने बाबू, ये ब्रीफकेस यहाँ रखो और जाओ यहाँ से। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुम तीनों को, अब तुम तीनों को मैं पुलिस के हवाले करके रहूंगा। यार अब क्या करेंगे, इसने तो हम सबकी शक्ल देख ली है, इसने तो हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया, अब तो इसे मारना पड़ेगा। हाँ यार, मारना तो पड़ेगा वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन मारने से पहले क्यों ना इससे थोड़ी और कमाई कर ली जाए, आखिर मुंबई शहर से इतनी कमाई तो बनती है ना। लेकिन वो कैसे? इसके बाप को फोन लगाते हैं और कहते हैं कि तेरा बेटा हमारे पास है, 1 करोड़ रुपए भेज दे। क्यों, क्या आइडिया यार कोमल। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि विपिन रात भर घर वापस ना आया हो, उसका फोन भी बंद आ रहा है, मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। हेलो, तेरा बेटा हमारे पास है, अब फिरौती की रकम 1 करोड़ है। क्या? कल रात तक हमें फिरौती की रकम मिल जानी चाहिए। क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, अगर तुझे सबूत चाहिए ना तो अपने बेटे के साथ बात कर। ऐ, मेरे बाप से बात कर। पिताजी, पिताजी, पैसे मत दो। ये क्या सबूत? और हाँ, पुलिस को इन्वॉल्व मत करना और जल्द से जल्द पैसे अरेंज करना, ठीक है? क्या हुआ मेरे बच्चे को, क्या हुआ? हमारे बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया। हम चुपचाप नहीं बैठ सकते, तो प्लान क्या है? महक, तुम यही रहो और विपिन पर नजर रखो। ओके। रूपाली, तुम जाओ और मोहिनी देवी पर नजर रखो, मैं रविराज के ऑफिस जाती हूँ, वहीं से नजर रखती हूँ। लेकिन किस लिए? ज्यादा दिमाग चलाना बंद करो और जैसा मैं कह रही हूँ ना वैसा ही करो। नजर रखो कि वो पुलिस को तो इंफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ये होशियारी से काम लेना पड़ेगा। रिश्ते कहीं आए मेरे लिए, कुछ लोगों को हमारा खानदान अच्छा लगा, कुछ लोगों को मेरा गोरा रंग पसंद आया, तो कुछ लोगों को मेरी मासूम सी मुस्कुराहट, मगर उन्होंने भी ना कह दी जब उन्होंने मुझे देखा। जो मुझे देखकर भी हाँ कह दे, पापा ऐसो वर ढूंढो। सोमवार से रविवार रात 9 बजे और पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे दंगल पर। मेम साहब, आप क्यों रो रही हैं? किसी ने मेरे विपिन को किडनैप कर लिया। ये क्या कह रही मेम साहब आप? आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? तुम सही कह रही हो,
मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। पुलिस स्टेशन। इन तीनों औरतों के जुर्म का सिलसिला अब किडनैपिंग तक पहुंच चुका था। पुलिस ने छानबीन भी शुरू कर दी थी। इन तीनों ने कभी सोचा भी नहीं था कि किडनैपिंग का मामला इतना खतरनाक हो सकता है। लेकिन कहते हैं ना, जुर्म एक दलदल है। इस दलदल में जो भी कदम रखता है वो इस जुर्म की दलदल में धंसता चला जाता है। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। देखिए आप परेशान ना हो, आपका बेटा मिल जाएगा। ऑफिसर आप लोग यहाँ? सर हमें आपके बेटे के किडनैपिंग की खबर मिली है। आपको किसी पर शक है? जी नहीं। गार्ड तुम्हें क्या जानकारी है? सर घर का नौकर मोहन भी कल से जाएगा। हवलदार हमें मोहन की पूरी डिटेल चाहिए। यस सर। ऑफिसर आप अपना ये इन्वेस्टिगेशन बंद कर दीजिए। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं अपने बेटे को पैसे देकर छुड़वा लूंगा। सर मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, प्लीज आप इसमें इंटरफेयर ना करें। आप ऐसे नहीं मानेंगे। जी मंत्री जी। ओके सर। हवलदार चल रहे। हाँ सर अभी अभी ऑफिस से पैसे लेके निकले हैं। पुलिस इस पर नजर रख रही है, इसका मतलब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। हेलो। मेरे लाख बना करने के बावजूद भी तुमने पुलिस को फोन किया? अब प्लान में एक चेंज है। पैसे मुझे आज रात को ही चाहिए। तो ठीक है, मैंने पैसे रेडी कर लिए, बताओ कहाँ आना। मेरे बताए हुए एड्रेस पर आ जाना। मैं एड्रेस भेजती हूँ। ए, क्या कर रहा है? थोड़ा पानी पिला दो प्लीज, बहुत प्यास लगी है। साला, ये प्यास भी अब भी लगनी थी। छोड़ मुझे। अब क्या करें? मैं तो कहती हूँ 1 करोड़ लेते हैं और भाग जाते हैं। वैसे भी यार वो बुड्ढा हमें क्यों पैसे देगा? उसका बेटा तो मर गया। मर गया है ये हमें पता है, इस बुड्ढे को नहीं। हेलो। पैसे तैयार है ना? मैं पैसे लेके निकल रहा हूँ, लेकिन पहले मुझे मेरे बेटे से बात कराई। नहीं नहीं बात नहीं करवा सकती। बहुत शोर मचा रहा था तेरा बेटा, इसलिए उसे ड्रग्स से किस सुना दिया है। नहीं मैं अपने बेटे को देखे बगैर पैसे लेके नहीं निकलूंगा। मुझे उसकी फोटो भेजो। ठीक है अभी भेजती हूँ। अब क्या करें? करना क्या है, ले चलो उसको। मैंने तो इसे बांध दिया, लेकिन इस लड़के का क्या करें? करना क्या है, कपड़ा डालो और फोटो खींचो। ठीक है ना?
लेकर वो आ गया है। मतलब तुम प्लानिंग के तहत मेरे घर में घुसे थे? मेरा बेटा कहाँ है? पीछे देख। देखो पहले पैसे निकाल। विपिन चलो चलो। विपिन 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 चल बेटा चल चल घर चल बेटा। विपिन मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। अब क्या कर रहे हो? जल्दी करो। बस बहुत हुआ तुम लोगों का खेल। अरेस्ट करो। काश कि मैंने आप लोगों को आपकी ड्यूटी करने दी होती तो शायद मेरा बेटा आज जिंदा होता। ले चलो इन सबको। कानून इसीलिए है क्योंकि लोग कानून से डरे और जुर्म की राह पर ना चले और मुजरिम को सजा मिले। लेकिन कुछ लोग हमारी रक्षा के लिए बनाए गए कानून का गलत फायदा उठाते हैं। कभी कभी कानून को मुजरिम तक पहुंचने में देर लगती है लेकिन कानून मुजरिम तक पहुंचता है और उसको सजा भी देता है। आज ये तीनों औरतें जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रही है। मैं बस आप लोगों से यही दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो अपने ऊपर अन्याय ना होने दे, और अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है या आप पर अन्याय कर रहा है तो सबसे पहले कानून की मदद ले, पुलिस के पास जाए। इसी के साथ मैं अश्विनी कालसेकर आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज़।